सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। Hunnarbaaz Season 5, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda, Bharat ka antarrashtriya bank. Ek mahila chahe to kya kuch nahi kar sakti hai. Ghar sambhalna ho, desh chalana ho, ya Mangalyaan ko Mars pe bhejna ho, sabhi fields mein mahilaon ne apni samajhdari aur hunar ka loha banwaya hai. Aur yahi wajah hai ki jab bhi koi mahila kuch karna chahti hai, aage badhna chahti hai, to Bank of Baroda bhi बढ़ चढ़कर इनका साथ देता है। मुंबई के रहने वाली वैशाली जी के अंदर भी एंटरप्रेन्योर बनने का एक जुनून था, जिसके लिए एक समय में इन्होंने नौकरी के साथ साथ घर घर जाकर दूध बेचने का काम भी किया था। अमेजिंग। पर इंटरेस्टिंग बात यह तो है कि आज वैशाली जी एक ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी की मालकिन है। अजी, ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो एक सर्किट से दूसरी सर्किट तक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। सुनने में ही बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? तो आखिर वैशाली जी ये कैसे बनाने लगी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कैसे उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्मर के जरिए ट्रांसफॉर्म कर दी? कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। कहते हैं काम करने का जुनून जब जीने की वजह बन जाता है, तब इंसान सफलता के पीछे नहीं बल्कि सफलता इंसान के पीछे भागती है। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, इस बात का जीता जागता उदाहरण है मुंबई में रहने वाली वैशाली थोराट। मेरे मम्मी शी इज हाउसवाइफ एंड मेरे डैडी है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में थे एंड फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। कर्म को ही अपना धर्म मानने वाली वैशाली ने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा और मुश्किल की घड़ी में अपने पिता का हर तरह से साथ दिया। मेरे डैडी ने एक मिल्क का एजेंसी लिया था, उनका कंपनी बंद हो गया था। दूध डिस्ट्रीब्यूट करती थी मैं मॉर्निंग में, सुबह 4 बजे उठ के स्टार्ट करना, लोगों के घर जाके दूध देना और फिर 7:30 बैक टू घर आना और फिर फ्रेश होके अपना कॉलेज करना, ऐसा मेरा एजुकेशन हुआ है। पढ़ाई खत्म होने के बाद वैशाली ने कई कंपनीज में मार्केटिंग और सेल्स में काम करके अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। फिर शादी के बाद अपने पति जयवंत थोराट के साथ मिलकर फार्मा कंपनी खोली, पर अफसोस वो पूरी तरह से फेल हो गई। उस बिजनेस में मेरा होमवर्क नहीं था, नो दोनों का बैकग्राउंड फार्मा का नहीं है और उसी प्रोडक्ट को पकड़ना चाहिए जिसमें अपने को डेप्थ नॉलेज है, वो तो मैंने रॉन्ग प्रोडक्ट पकड़ा। हमारा डिसाइड हुआ कि हम बिजनेस ये क्लोज करेंगे। ये बहुत मुश्किल वक्त था वैशाली और उनके परिवार के लिए, पर फेलियर भी वैशाली को एक बात सिखा गया कि काम वही करो जिसमें पूरी पकड़ हो। हौसला न हारते हुए दोनों पति पत्नी ने ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी में एक साथ काम किया, जिसमें जयवंत डिजाइनिंग और वैशाली मार्केटिंग का काम करती थी। हर तरह से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वैशाली और जयवंत ने फिर से शुरू किया अपना काम। 2008 एंड में हमने एक विजन एंटरप्राइजेस कंपनी फॉर्म किया, तो ये 3 साल विजन एंटरप्राइजेस था। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे, इंस्टॉलेशन का काम करते थे और हमने लैंड भी ले लिया। हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं, गांव में जो डीपी रहता है ना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आता है घर में। ट्रांसफार्मर का काम होता है पावर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना। ट्रांसफार्मर इज द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स आदमी का हार्ट गया तो आदमी जाता है, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर। वाह, कितनी आसानी से समझा दिया कि ट्रांसफार्मर क्या है। तभी तो जयवन जी को कंपनी का बैकबोन मानती हैं वैशाली जी। इस इलेक्ट्रिसिटी के दिल को बनाने का काम इन्होंने बड़े ही दिल लगा के किया, लेकिन जिस वक्त कंपनी बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ी, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की, उस समय वैशाली के इरादों पर विश्वास किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। वैशाली मैडम ने एक प्लॉट लिया था
इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करने के लिए मुरबाड़ में, तो इनको फाइनेंस का जरूरत था। इस उसमें ये बैंक की एसएमई जो हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है उसके साथ कोर्ट में उस टाइम थी, तो मैडम ने अप्रोच किया। तो विजन विद्युत ने शाहपुर में एक 2000 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा प्लॉट लिया जिसको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए और मशीनरी के लिए बैंक ने उसमें जो है इनको 2,25,00,000 रुपये उस टाइम दिए और बाद में जो है 29,00,000 रुपये बाद में दिए। तो मैडम का यूनिट उधर स्टार्ट हुआ और तब से मैडम जो है वो बैंक के साथ जुड़ी हुई है। टाइम टू टाइम जो है विजन विद्युत का लिमिट जो है वो इंक्रीज होता रहा और अभी एट प्रेजेंट इनका 8,29,00,000 जो है वो लिमिट अवेलेबल है बैंक के साथ। मैं रीजनल ऑफिस गई और डीजीएम को मिलने के बाद मैंने उनका मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सिस्टमेटिकली समझाया और मेरा कैसे रोड मैप होगा, कैसे मैं ग्रो करूँगी और क्यों मुझे लोन चाहिए, तो वो मैंने उनको समझाया। सेम डे मैं 11:00 उनको मिली, 2:00 वो मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने ऑफिस सेटअप सब देख लिया। नेक्स्ट डे उन्होंने किसी को भेजा और इमीडिएटली मुझे विद इन 2 डेज मेरा सैंक्शन हो गया। बोलते हैं ना, हमने जस्ट पौधा ये किया बट उसे बड़ा किया है ना, विच इज बैंक ऑफ बड़ौदा, दे आर माई बिजनेस पार्टनर। वाह, बैंक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर आज वैशाली अपने हर लक्ष्य को पाने की ताकत रखती हैं और महिलाओं को इस ताकत को देने के फायदे के बारे में बैंक बखूबी जानता है। महिलाएं घर तो चलाती हैं, जो एक अपने में एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, पूरे परिवार को चलाना, पूरे घर को संभालना, तो एक एंटरप्राइजिंग स्किल तो उनमें होती है। अब रही बात कि उनको कमर्शियल लेवल पर उनकी जो स्किल्स का इस्तेमाल करना, तो उसके लिए कहाँ को ज़रूरत पड़ती है, कुछ उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब चीज़ों के लिए अब बैंकों ने काफ़ी साथ देना शुरू किया है और उनके हुनर को एक्सेप्ट किया गया है सोसाइटी में और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको जो भी कैपिटल की ज़रूरत है या ट्रेनिंग की ज़रूरत है या स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ चाहिए, वो सब का पूरा फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, वो सब की पूरी ट्रेनिंग देते हुए हम लोग उनकी पूरी मदद करते हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे समाज में बढ़ें। और हमने ये देखा है कि जो लोन हमने महिलाओं को ज़्यादा दिए उसमें भरपाई बहुत समय पर होती है, ये एक हमारा बैंकों का अनुभव रहा है। सही बात है, बैंक के इस अनुभव पे पूरी तरह खरी उतरी हैं वैशाली। अगर इन्हें छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कहें तो गलत नहीं होगा, काम करने की फुर्ती तो देखिए इनकी। गाड़ी के दो पहियों की तरह आज वैशाली और जैवन जी अपने जीवन को सफलता से आगे बढ़ा रहे हैं और न जाने कितनी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मैं जॉबलेस थी पहले, सो मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई हूँ और मेरा फर्स्ट जॉब भी यही है, विजन ही मेरा विजन हो गया अभी। वो भी हम लोग एज अ फैमिली ट्रीट ही करते हैं और हम लोग भी जैसे रिलेशन जैसा बॉस और एम्प्लॉय के होते वैसा एकदम क्लोज रिलेशन है और हेल्दी है। ये कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, उसके लिए बोलते हैं ना, मैंने गोल फ्रीज किया है, रोड मैप भी है एंड आई वांट टू अचीव दैट।